हमारे YouTube चैनल समाइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। मैं ब्रिजराज, कंप्यूटर फैकल्टी। आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 10th में मॉडल टेस्ट पेपर 2022 पढ़ेंगे। ये जो मॉडल टेस्ट पेपर है, ये मैंने फाइनल पेपर को ध्यान में रख के तैयार किया है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको पेपर में आने के चांस हैं, वो तैयार किए हैं। और ये वीडियो शुरू करने से पहले आपको पेपर के पैटर्न के बारे में बताना चाहूंगा कि पेपर का पैटर्न कैसा होगा। नीचे आप देख रहे हो कि पेपर में तीन पार्ट होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। जो पार्ट ए है उसमें आपको 20 मार्क्स का पेपर आएगा, और 20 मार्क्स में आपको जो है 6 एमसीक्यू आएंगे, देन उसके बाद 6 आएंगे फिलिप्स, और उसके बाद जो 8 है वो आएंगे ट्रू फॉल्स, फुल फॉर्म्स या शॉर्टकट कीज। और जो पार्ट बी होगा उसमें आपको 3-3 मार्क्स वाले 6 क्वेश्चन आएंगे, कुछ क्वेश्चंस में चॉइस होगी। और जो आपका लास्ट पार्ट सी होगा उसके अंदर आपको 6-6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे और इसमें भी चॉइस होगी। अब जो पेपर के पैटर्न के बारे में आपको मैं बता रहा था कि जितने भी चैप्टर आपके 1 to 8 सभी में से आपको 1-1 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो हैं वो आएंगे। जैसे फर्स्ट चैप्टर में से 3, सेकंड में से भी 3, थर्ड में से 2 आएंगे, फोर्थ वाले में से 2 आएंगे, देन पांचवें चैप्टर में से 3 आएंगे, सिक्स चैप्टर में से 2, सातवें चैप्टर में से 3 और आठवें चैप्टर में से 2। इसी तरह अगर हम 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन की बात करें तो उसके लिए आपको अच्छी तरह जो तैयारी करनी है वो आपने फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ, सेवन्थ और एट्थ, इसी में आपको 3-3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे और बाकी चैप्टर में आपको 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन तैयार करने की जरूरत नहीं है। बट जो सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर है इसमें आपको 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में चॉइस भी मिलेगी। अगर हम 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन की बात करें तो 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन सिर्फ आपको 2 चैप्टर में से आएंगे, एक फोर्थ चैप्टर में से और एक सिक्स चैप्टर में से। तो जो बाकी चैप्टर बच गए हैं 4 और 6 के अलावा, उनके बड़े क्वेश्चन आपको तैयार करने की जरूरत नहीं है। इन्हीं क्वेश्चंस को आपने अच्छी तरह तैयार करना है और पेपर के पैटर्न को ध्यान में रखना है जब भी आपने कंप्यूटर के पेपर की तैयारी करनी है। तो सबसे पहले पार्ट ए की बात करते हैं। पार्ट ए में 20 क्वेश्चन आएंगे 1-1 मार्क्स वाले, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जिसमें एमसीक्यू, फिलिप्स, ट्रू फॉल्स, फुल फॉर्म्स या कह सकते हैं शॉर्टकट कीज या वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। पहले बात करते हैं एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जी आपको 6 आएंगे। नंबर 1, विच टूल इज यूज्ड टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ बजट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड सेल्स रिकॉर्ड। ऑप्शंस हैं मल्टीमीडिया, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन या डेटाबेस। कि रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, बजट को या फाइनेंशियल स्टेटमेंट या सेल्स रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए कौन सा टूल या सॉफ्टवेयर यूज होता है? तो इसका आंसर है स्प्रेडशीट। और जो स्प्रेडशीट है ये किसमें यूज होती है? एमएस एक्सेल में। नंबर 2, पेज डिजाइंड इन एचटीएमएल इज कॉल्ड। कि जो पेज एचटीएमएल में तैयार किए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शंस है जेलो पेज, वेब पेज, सर्वर पेज या फ्रंट पेज। तो इसका सही आंसर है वेब पेज। कि एचटीएमएल में जो हम प्रोग्राम बनाते हैं या पेज नोटपैड में तैयार करते हैं उसको बोलते हैं वेब पेज। नंबर 3, Which of the following is the most commonly used HTTP method? कि इनमें से सबसे ज्यादा यूज होने वाला, कॉमनली यूज होने वाला HTTP method कौन सा है? HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शंस हैं प्री एंड पोस्ट, गेट एंड सेट, आस्क एंड रिप्लाई या गेट एंड पोस्ट। तो इसका सही आंसर है गेट एंड पोस्ट। गेट एंड पोस्ट दो HTTP method है जो नेट पे यूज होते हैं। गेट का काम है कि अगर हमने किसी सर्वर पे इंफॉर्मेशन भेजनी हो उस टाइम पे गेट मेथड यूज होता है, अगर सर्वर पे डाटा स्टोर करना हो तो उसके लिए पोस्ट मेथड यूज होता है। नंबर 4, एसईओ मींस कि एसईओ की फुल फॉर्म क्या होती है? इसके ऑप्शंस है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सिस्टम इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सिंक्रोनाइज्ड इंजन ऑप्टिमाइजेशन या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसके सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बहुत जरूरी है। वो क्यों? जब कोई पर्सन किसी सर्च इंजन में
हमारी साइट सर्च करेगा तो वो उसकी जो रैंकिंग बढ़ाने के लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जरूरी है। रैंकिंग मतलब कि जब कोई आपकी वेबसाइट को सर्च करे तो टॉप में नजर आए। नंबर 5, प्रोग्राम्स दैट कैन बी यूज टू क्रिएट बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, फ्लायर्स, पैम्फलेट्स एंड मैनी अदर काइंड्स ऑफ प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स। तो इसका ऑप्शन है डेस्क पब्लिशिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, टॉप पब्लिशिंग या पब्लिशिंग। तो इसका सही आंसर है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग एक ऐसा प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है जो बुक्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर, फ्लायर, पंफलेट वगैरह बनाने के काम आते हैं। और डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए कोरल ड्रा, फोटोशॉप, पेज मेकर वगैरह सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। 6th है, इट इनेबल्स अस टू असेस इंटरनेट सिक्योरली एंड प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एप्लीकेशंस एंड पीपल फ्रॉम असेसिंग आवर पीसी। तो इसके ऑप्शंस है एंटीवायरस, सिक्योरिटी, फायरवॉल या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है फायरवॉल। कि फायरवॉल एक ऐसा प्रोग्राम है जो इंटरनेट पे जब हम काम कर रहे होते हैं तो किसी अनऑथराइज्ड प्रोग्राम या एप्लीकेशन या लोगों को हमारे सिस्टम में आने से रोकता है। कह सकते हैं सुरक्षा दीवार की तरह काम करता है। आगे हैं फिलिप्स जी, आपको 6 आएंगे। नंबर 1, वी कैन चूज आइदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन फॉर द होल और सम पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। कि अगर आप अपने पेज को या पेज डॉक्यूमेंट में कुछ पार्ट या सारे पार्ट को वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन करना चाहते हो तो वो कैसे होती है? तो उसके दो ऑप्शन है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट का मतलब है कि अगर आपका डॉक्यूमेंट वर्टिकली प्रिंट हो रहा है तो पोर्ट्रेट है, अगर उसको आप हॉरिजॉन्टल में प्रिंट कर रहे हो तो वो लैंडस्केप है। नंबर 2, डैश इज द मेन पार्ट ऑफ एचटीएमएल डॉक्यूमेंट इन विच होल इंफॉर्मेशन अबाउट द वेब पेजेस रिसाइड। कि डैश एचटीएमएल पेज का मेन डॉक्यूमेंट है जिसमें पूरे वेब पेज की इंफॉर्मेशन रख सकते हैं। तो इसका आंसर है बॉडी। कि बॉडी टैग एक ऐसा टैग है जो एचटीएमएल में यूज होता है, तो वेब पेज पे जो भी इंफॉर्मेशन आपकी शो होती है वो बॉडी टैग के कारण होती है। अगर आप बॉडी टैग यूज नहीं करोगे तो वेब पेज पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। नंबर 3, डैश इज द एड्रेस ऑफ योर साइट। कि डैश आपकी वेबसाइट का एड्रेस है। तो इसका आंसर है डोमेन नेम, जैसे google.com, facebook.com, pscb.ac.in, ये सारे क्या है? डोमेन नेम। कि आपकी जो वेबसाइट का एड्रेस होता है उसको बोलते हैं डोमेन नेम। नंबर 4, ए गटर मार्जिन सेटिंग एड्स एक्स्ट्रा स्पेस टू द डैश मार्जिन और मार्जिन ऑफ डैश डॉक्यूमेंट दैट वी प्लान टू बाइंड। कि गटर मार्जिन के बारे में बताना चाहूंगा कि जब हम किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं उसके लिए जो बाइंडिंग के लिए स्पेस छोड़ते हैं उसको बोलते हैं गटर मार्जिन। और ये पूछ रहा है कि गटर मार्जिन कहाँ कहाँ सेट कर सकते हैं। जो गटर मार्जिन है इसको दो जगह सेट कर सकते हैं, लेफ्ट पे और टॉप पे। नंबर 5, ए डैश रिप्रेजेंट्स द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डैश। तो इसका आंसर है फाइल और इंफॉर्मेशन। कि जो फाइल है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। जब भी हम कंप्यूटर में कुछ भी स्टोर करते हैं वो सारा किसके अंदर जाता है? फाइल के अंदर। चाहे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पेंट में कुछ भी सेव करते हैं, दैट इज ए फाइल। नंबर 6, व्हेन वी क्लिक ऑन डैश स्मॉल सर्कल्स अपीयर अराउंड द एजेस ऑफ द फ्रेम, दीज आर कॉल्ड डैश। इसका आंसर है फ्रेम और हैंडल्स। मींस की व्हेन वी क्लिक ऑन फ्रेम स्मॉल सर्कल अपीयर अराउंड द एजेस ऑफ द फ्रेम, दीज आर कॉल्ड हैंडल्स। आपने कभी देखा होगा, मान लो एमएस वर्ड में कोई आपने फोटो इंसर्ट करी है, उस फोटो को हम फ्रेम मान के चलते हैं, उसके साइडों पे जो आपको सर्कल नजर आते हैं छोटे छोटे उनको बोलते हैं हैंडल्स। हैंडल को स्केयर शेप में भी होते हैं। हैंडल्स का काम क्या है? कि फोटो का साइज छोटा बड़ा करना, जिसको मूव करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स फुल फॉर्म्स एंड वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ये आपको 8 आएंगे। नंबर 1, राइट एक्सटेंशन ऑफ स्प्रेडशीट इन एमएस ऑफिस 2010। कि ऑफिस 2010 में स्प्रेडशीट की एक्सटेंशन क्या होती है? तो इसका आंसर है .xlsx। मींस कि एक्सेल की फाइल को जब हम सेव करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसकी एक्सटेंशन बन जाती है .xlsx। इसी तरह एमएस वर्ड की फाइल सेव करते हैं तो उसकी एक्सटेंशन बन जाती है .docx। और अगर पावर पॉइंट की फाइल को सेव करेंगे तो उसकी एक्सटेंशन बनती है .pptx।
एक्स, और अगर पेंट की फाइल को सेव करते हैं तो उसकी एक्सटेंशन बनती है डॉट बीएमपी। नंबर टू, सेल पैडिंग इज द पिक्सल स्पेस बिटवीन द सेल कंटेंट्स एंड द सेल बॉर्डर। जो सेल पैडिंग है वो सेल कंटेंट और सेल बॉर्डर के बीच की स्पेस है, ये बिल्कुल ट्रू है। नंबर थ्री, सिलेक्शन लिस्ट्स आर यूज्ड टू डिफाइन ड्रॉप डाउन लिस्ट। जो सिलेक्शन लिस्ट है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के काम आती है। आपने देखा हो कई बार कंप्यूटर पे कोई ऑप्शन खोलते हैं, उसमें क्लासेस 6, 7, 8, 9, 10, उसमें किसी एक को चूज कर सकते हैं, दैट इज सिलेक्शन लिस्ट। तो ये बिल्कुल ट्रू है। नंबर फोर, राइट द फुल फॉर्म ऑफ WSI WYG। तो इसकी फुल फॉर्म है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। कि जैसा डॉक्यूमेंट आप कंप्यूटर पे देख रहे हो, जब उसकी प्रिंटिंग लोगे तो सेम वैसा डॉक्यूमेंट प्रिंट रूप में आप प्राप्त करोगे। नंबर पांच, मोस्ट पब्लिकेशंस आर डिवाइडेड इनटू सेवरल डिफरेंट एरियाज कॉल्ड फ्रेम्स। यहाँ पे जो पब्लिकेशंस हैं उनको हम अलग अलग एरियाज में डिवाइड करते हैं, जिनको बोलते हैं फ्रेम्स। ये बिल्कुल ट्रू है। नंबर सिक्स, द टेक्स्ट इज अरेंज्ड अराउंड द ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग विच ऑप्शन। कि कोई आपका जो टेक्स्ट है उसको आप ऑब्जेक्ट में अरेंज करना चाहते हो तो उसके लिए जो ऑप्शन यूज होता है उसको बोलते हैं रैप टेक्स्ट। अगर आप रैप टेक्स्ट यूज नहीं करोगे तो टेक्स्ट जो आपका है ऑब्जेक्ट में सेट नहीं होगा। अगर ऑब्जेक्ट के बीच उसको फिट करना चाहते हो, सेट करना चाहते हो, तो उसके लिए रैप टेक्स्ट ऑप्शन यूज होगा। नंबर सेवन, ब्रोशर्स आर प्रमोशनल डॉक्यूमेंट्स प्राइमरली नेवर यूज टू इंट्रोड्यूस अ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। कि ब्रोशर कोई प्रमोशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कभी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को इंट्रोड्यूस करने का काम नहीं आते, ये बिल्कुल गलत है। जबकि ब्रोशर क्या है, प्रमोशनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को इंट्रोड्यूस करने का काम आते हैं, जो कंपनी के बारे में बताते हैं। नंबर एट, व्हाट इज अ फॉर्म ऑफ पेपर एडवर्टाइजमेंट यूज फॉर वाइड डिस्ट्रीब्यूशन पोस्टेड और डिस्ट्रीब्यूट इन पब्लिक प्लेस हैंडेड आउट टू इंडिविजुअल और सेंट थ्रू द मेल। कि वो पेपर एडवर्टाइजमेंट में यूज होता है जिसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, पब्लिक प्लेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या लोगों को हैंड टू हैंड दे सकते हैं, या मेल के थ्रू भेज सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फ्लायर। अभी आपको 1-1 मार्क्स वाले 20 क्वेश्चन आएंगे जिसमें MCQ, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स, 1 मार्क्स क्वेश्चन या फुल फॉर्म्स आएंगी, उसके बारे में आपको बताया। तो आपने जब पेपर अटेम्प्ट करना है तो इनको बड़ा ध्यान से देखना है। रीजन ये है कि कई बार जो पेपर में आपको क्वेश्चन आए होते हैं उनके आंसर आपको इसी में से मिल जाते हैं, इसलिए कोई भी क्वेश्चन आपने 3 मार्क्स वाला 6 मार्क्स वाला अटेम्प्ट करना है वो देखना ना कि क्या उसकी डेफिनेशन आपको इनमें तो नहीं मिल रही, तो उसको आपको प्लस पॉइंट रहेगा कि आपको तैयारी में आसानी रहेगी। पार्ट बी में आएंगे 3-3 मार्क्स वाले 6 क्वेश्चन, तो ये होगा 18 मार्क्स का पेपर बी सेट बी में से। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। नंबर वन, राइट डेफिनेशन ऑफ डाटाबेस सॉफ्टवेयर। की डाटाबेस सॉफ्टवेयर क्या होता है? डाटाबेस इज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा, इट इज यूज्ड टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज द डाटा इन ए कंप्यूटर सिस्टम। इसका काम क्या है कि अगर हमने कंप्यूटर के अंदर डाटा ऑर्गेनाइज करना है, मैनेज करना है, उसके लिए यूज होता है। डाटाबेस सॉफ्टवेयर यूज टू एड, एडिट, डिलीट, व्यू और प्रिंट द डाटा। इसकी मदद से हम डाटा ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, देख सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। इसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं वो होता है MS Access, Oracle, DBase या Fox Pro। आपने देखा होगा कि मोबाइल में कॉन्टैक्ट बुक होती है, दैट इज आल्सो डाटाबेस। इसके अलावा टीचर आपसे डाटा मान लो क्लास में नोट करता है, आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम, देन आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, उसको जब हम कंप्यूटर में किसी सॉफ्टवेयर MS Access, Oracle, DBase या Fox Pro में सेव कर लेते हैं तो वो किसका काम करेगा? डाटाबेस का। इसी तरह हमारे एक डिपार्टमेंट की ई पंजाब वेबसाइट है, ई पंजाब पे हम क्या करते हैं, स्टूडेंट्स का डाटा अपलोड कर देते हैं, जब हमें चाहिए होता है तो उसकी रिपोर्ट भी हम डाउनलोड कर लेते हैं, तो दैट इज डाटाबेस। नंबर टू, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट और डिफरेंस बिटवीन टैग एंड एट्रीब्यूट। मीन्स की जो सेकंड क्वेश्चन आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, इसमें आपको चॉइस आएगी कि दो क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन करना है, जो आपको अच्छी तरह आता होगा आपने वही अटेम्प्ट करना है। पहले बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। लेफ्ट साइड पे मैंने ऑर्डर लिस्ट लिया है, राइट साइड पे अनऑर्डर्ड लिस्ट लिया है। नंबर वन, इन दिस ऑर्डर ऑफ आइटम्स इज इंपॉर्टेंट। कि ऑर्डर लिस्ट में जो आइटम्स है उनका ऑर्डर इंपॉर्टेंट है राइट साइड पे,
इन दिस ऑर्डर ऑफ आइटम्स इज नॉट इम्पोर्टेंट, कि अनऑर्डर लिस्ट में आइटम्स का ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है. नंबर टू, इट इज स्टार्टेड विद ओएल टैग एंड क्लोज विद ओएल स्लैश ओएल टैग, कि ऑर्डर लिस्ट ओएल टैग से शुरू होती है, स्लैश ओएल से खत्म होती है. ओएल का मतलब ऑर्डर लिस्ट. राइट साइड पे अनऑर्डर में, इट इज स्टार्टेड विद यूएल टैग एंड क्लोज विद स्लैश यूएल टैग. नंबर थ्री, इन दिस लिस्ट द वैल्यूज ऑफ टाइप एट्रीब्यूट्स आर वन कॉमा कैपिटल ए कॉमा स्मॉल ए कॉमा कैपिटल में रोमन और कॉमा स्मॉल में रोमन. और राइट साइड पे, इन दिस लिस्ट ऑफ वैल्यूज आर डिस्क सर्कल एंड स्केयर, कि अनऑर्डर लिस्ट में जो वैल्यूज है वो डिस्क सर्कल और स्केयर होती है, और ऑर्डर लिस्ट में वन ए स्मॉल ए कैपिटल रोमन और स्मॉल रोमन होती है. द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ टाइप एट्रीब्यूट इज वन, ऑर्डर लिस्ट में जो डिफॉल्ट वैल्यू है टाइप एट्रीब्यूट की वन होती है, और जो अनऑर्डर लिस्ट है उसमें डिफॉल्ट वैल्यू डिस्क होती है. नंबर टू, डिफरेंस बिटवीन टैग एंड एट्रीब्यूट, टैग और एट्रीब्यूट में क्या डिफरेंस है. लेफ्ट साइड पे मैंने टैग लिया है, राइट साइड पे एट्रीब्यूट लिया है. नंबर वन, इट कंटेन्स एलिमेंट्स दैट प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस, कि टैग के एलिमेंट है जिसके अंदर इंस्ट्रक्शंस होती हैं. और राइट साइड पे एट्रीब्यूट डिफाइंस द प्रॉपर्टी ऑफ द टैग, जो एट्रीब्यूट्स हैं वो टैग की प्रॉपर्टीज के बारे में बताते हैं. नंबर टू, टैग कंटेन्स एलिमेंट्स एज वेल एज एट्रीब्यूट्स, कि टैग के अंदर एलिमेंट्स भी होते हैं और एट्रीब्यूट्स भी, क्योंकि टैग में एलिमेंट होते हैं और एट्रीब्यूट्स भी होते हैं. राइट साइड पे, एट्रीब्यूट इज अ पार्ट ऑफ स्टार्टिंग टैग ऑफ एन एलिमेंट, कि जो एट्रीब्यूट है वो किसी टैग के स्टार्टिंग टैग का जो स्टार्टिंग पार्ट का एलिमेंट होता है. नंबर थ्री, देर आर टू टाइप्स ऑफ टैग्स, पेयर टैग और एम्प्टी टैग. टैग दो तरह के होते हैं, पेयर और एम्प्टी. पेयर टैग वो टैग होते हैं जो शुरू भी होते हैं और खत्म भी होते हैं, एम्प्टी टैग जो शुरू होते हैं बट खत्म नहीं होते. राइट साइड पे, द टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट डिपेंड ऑन इट्स टैग, कि जो एट्रीब्यूट्स की टाइप्स है वो टैग पे डिपेंड करती है. नंबर फोर, फॉर एग्जाम्पल बॉडी, हियर बॉडी इज ए टैग. राइट साइड पे फॉर एग्जाम्पल बॉडी बीजी कलर डबल कोट्स में रेड, यहाँ पे बॉडी एक टैग है और बीजी कलर उसका एट्रीब्यूट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज हाइपरलिंक, और इसमें साथ में चॉइस है, नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ बटन्स इन एचटीएमएल, कि एचटीएमएल में अलग अलग तरह के बटन्स कौन से होते हैं. पहले बात करते हैं व्हाट इज हाइपरलिंक. अगर आपको क्वेश्चन आए व्हाट इज एंकर टैग, तो तब भी आप सेम आंसर लिख सकते हो. इट इज ए लिंक विच कनेक्ट वन वेब पेज विद अनदर वेब पेज, कि एक लिंक है जो एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज के साथ जोड़ता है. इट्स कलर इज ब्लू एंड इट इज अंडरलाइन, एक तो जो ब्लू कलर का होता है दूसरा अंडरलाइन होता है. एंकर टैग यूज टू क्रिएट ए हाइपरलिंक, ये हाइपरलिंक बनाने के काम आता है एंकर टैग. इट इज प्रेजेंटेड बाय ए एंड एंडेड विद स्लैश ए, जैसे आप नीचे देख रहे हो लिखा स्माइल एट रोल कंप्यूटर साइंस ब्रिजिया यूट्यूब. ये आपका एक हाइपरलिंक है, देखिए अब ये ब्लू कलर का है और दूसरा ये अंडरलाइन. इसी के साथ चॉइस में थर्ड क्वेश्चन है, नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ बटन्स इन एचटीएमएल. देयर आर टू टाइप्स ऑफ बटन्स इन एचटीएमएल, नंबर वन सबमिट, नंबर टू रीसेट. नंबर वन सबमिट बटन, एवरी फॉर्म मस्ट इंक्लूड ए सबमिट बटन. सबमिट बटन यूज टू सेंड डाटा टू द सर्वर, कि सबमिट बटन जो डाटा हमने फॉर्म में फिल किया है उसको सर्वर पर भेजने के काम आते हैं. टू क्रिएट अ सबमिट बटन द इनपुट टैग विद टाइप एट्रीब्यूट सेट टू ए वैल्यू सबमिट इज यूज्ड, कि जब आपने सबमिट बटन बनाना है तो इनपुट टैग के साथ जो टाइप एट्रीब्यूट है उसमें हम सबमिट वैल्यू सेट करेंगे. कैसे, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिखा इनपुट टाइप इज इक्वल टू डबल कोट्स में सबमिट और वैल्यू इसकी क्या आएगी सबमिट. जब हम इस टैग को रन करेंगे तो इस तरह का सबमिट बटन आपके सामने बन जाएगा. इसी तरह सेकंड बटन है रीसेट बटन. फॉर्म आल्सो इंक्लूड ए रीसेट बटन, कि फॉर्म में कई बार रीसेट बटन भी होता है. इट इज यूज टू क्लियर ऑल दी एंट्रीज ऑन द फॉर्म, कि मान लो एक फॉर्म के अंदर डाटा भर दिया, हम चाहते हैं कि इस डाटा को क्लियर करना है. अगर हम एक एक करके क्लियर करेंगे एंट्री को इट विल टेक सम टाइम, कि वो समय लगेगा. अगर हम रीसेट बटन पर क्लिक कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली सारा डाटा क्लियर कर देगा जो आपने फॉर्म के अंदर फिल किया है सबमिट करने से पहले. टू क्रिएट ए रीसेट बटन द इनपुट टैग विद टाइप एट्रीब्यूट सेट टू अ वैल्यू रीसेट इज यूज्ड. जैसे हमने सबमिट बटन के अंदर इनपुट टैग के टाइप एट्रीब्यूट के साथ सबमिट लिखा था, इसके अंदर क्या आएगा रीसेट. फॉर एग्जाम्पल
जैसे लिखा है मैंने इनपुट टाइप डबल कोट्स में रीसेट, उसके बाद वैल्यू भी क्या आएगी, रीसेट। जब हम इस टैग को रन करेंगे तो इस तरह का जो रीसेट बटन है वो बन के आपके सामने आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स, कि प्रिंटर कितने तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स। नंबर वन, इंपैक्ट प्रिंटर्स। इन दीज प्रिंटर्स प्रिंटर हेड स्ट्राइक्स ओवर द पेपर टू प्रिंट। इंपैक्ट प्रिंटर्स में जो प्रिंटर हेड है पेपर पे स्ट्राइक करता प्रिंट करने के लिए। दीज प्रिंटर्स प्रोड्यूस नॉइस ड्यूरिंग प्रिंटिंग। ये प्रिंटर प्रिंटिंग के दौरान आवाज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजीविल प्रिंटर। नंबर टू, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स। इन दीज प्रिंटर्स प्रिंटर हेड डज नॉट स्ट्राइक ओवर द पेपर टू प्रिंट। इन प्रिंटर्स में जो प्रिंटर हेड है पेपर पे स्ट्राइक नहीं करता। दीज प्रिंटर डू नॉट प्रोड्यूस नॉइस ड्यूरिंग प्रिंटिंग, फॉर एग्जाम्पल इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज पब्लिशियर, कि पब्लिशियर क्या है। पब्लिशियर इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पब्लिशियर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इट इज द पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इट यूज टू क्रिएट पब्लिकेशन फॉर प्रोफेशनल एंड पर्सनल यूज। इट यूज फॉर डेस्कटॉप पब्लिशिंग। इन दिस वी कैन क्रिएट लेटर हेड, बैनर, पोस्टर, कैलेंडर, रिज्यूम। इन पब्लिशियर डॉट पीजूबी एक्सटेंशन इज यूज टू सेव पब्लिकेशन। पब्लिशियर के अंदर जब हम किसी फाइल को हम सेव करते हैं, पब्लिकेशन को सेव करते हैं, तो उसकी एक्सटेंशन क्या होगी, डॉट पीजूबी। जैसे पावर पॉइंट में डॉट पीपीटीएक्स होती है, एमएस एक्सेल में डॉट एक्सएलएसएक्स होती है, और एमएस वर्ड में डॉट डीओसीएक्स होती है। सिक्स क्वेश्चन, एक्सप्लेन साइन, ये साइन क्या होते हैं। इट इज अ पीस ऑफ पेपर, क्लॉथ, वुड और एनी अदर मटीरियल विच इज पेंटेड विद पिक्चर और वर्ड्स। ये कागज, कपड़े या लकड़ी या किसी और मटेरियल का पीस होता है जो पेंट किया होता है, जिसमें कुछ पिक्चर या वर्ड हो सकते हैं। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट एनी प्लेस, प्रोडक्ट और एन इवेंट। ये किसी प्लेस, प्रोडक्ट और इवेंट के बारे में बताता है। एमएस पब्लिशर प्रोवाइड मेनी टाइप्स ऑफ साइंस, कि एमएस पब्लिशर हमें बहुत तरह के साइन और चिन्ह के बारे में बताते हैं। आप ये मार्केट जाते हो, वहां पे कोई बोर्ड लगा होता है, माइलस्टोन लगा होता है, तो उसको हम कह सकते हैं दैट इज साइन। जैसे नो पार्किंग वगैरह का लगा होता है, तो ये कुछ नीचे आपको पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं, इस तरह के जो साइन है, चिन्ह है, उन्हें हम पब्लिशर में तैयार कर सकते हैं। पार्ट सी में 6-6 अंक वाले दो प्रश्न आएंगे, जिसमें इंटरनल चॉइस भी होगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द वेरियस स्टेप्स फॉर प्लानिंग ए वेबसाइट, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑफलाइन टेस्टिंग एंड ऑनलाइन टेस्टिंग। तो पहले बात करते हैं कि अगर आपको वेबसाइट बनानी है, उसकी प्लानिंग के लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करोगे। द वेरियस स्टेप्स फॉर प्लानिंग ए वेबसाइट आर एज फॉलोइंग। नंबर वन, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द साइट। एवरी साइट हैज सम स्पेसिफिक पर्पस। इट गाइड्स अस व्हाट टू इंक्लूड इन द साइट, कि हर जो साइट है उसका कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए। ये स्टेप हमें बताता है, गाइड करता है कि साइट के अंदर क्या क्या होना चाहिए। नंबर टू, डिजाइनिंग फॉर द ऑडियंस। आफ्टर फिक्सिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ साइट, वी हैव टू नो अबाउट द नेचर ऑफ व्यूअर्स ऑफ द साइट। इट मींस व्हिच टाइप ऑफ पीपल्स विल विजिट आवर साइट। मींस कि अगर साइट स्टूडेंट्स के व्यू में रख के बनाई गई है, तो इसका मतलब है कि हमारे व्यूअर्स कैसे होंगे, स्टूडेंट्स, और उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ही जो साइट है उसका कंटेंट सेट करेंगे। नंबर थ्री, डिफाइन द स्ट्रेटजी। द सेट ऑफ टास्क टू बी परफॉर्म टू अचीव द गोल ऑफ आवर वेबसाइट इज कॉल्ड स्ट्रेटजी। फॉर डिफाइनिंग द स्ट्रेटजी फॉर आवर वेबसाइट, वी हैव टू इंक्लूड मैनी टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्स्ट, ऑडियो एंड वीडियो एक्स्ट्रा। मीन की स्ट्रेटेजी में हम देखते हैं कि साइट के अंदर हम क्या क्या ऐड करेंगे, जैसे टेक्स्ट हो गया, साउंड होगी, वीडियो होगी, या पिक्चर्स या एनिमेशंस। नंबर फोर, कंटेंट्स। इट सप्लाइज ऑल द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन टू द व्यूअर्स। द कंटेंट्स शुड बी एट प्रॉपर प्लेस एंड अरेंज्ड प्रॉपरली। मीन्स कि जो भी कंटेंट आपने वेबसाइट में डाला है, चाहे वो टेक्स्ट है, वीडियो है, या फोटोज हैं, वो प्रॉपर प्लेस पे होने चाहिए और प्रॉपरली अरेंज्ड होने चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में चॉइस के साथ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑफलाइन टेस्टिंग एंड ऑनलाइन टेस्टिंग। लेफ्ट साइड पे मैंने ऑफलाइन टेस्टिंग लिया, राइट साइड पे ऑनलाइन टेस्टिंग। नंबर वन, नो इंटरनेट कनेक्शन इज रिक्वायर्ड इन ऑफलाइन टेस्टिंग, कि ऑफलाइन टेस्टिंग में इंटरनेट कनेक्शन नहीं जरूरी होता, और राइट साइड पे इंटरनेट कनेक्शन इज रिक्वायर्ड इन ऑनलाइन टेस्टिंग। नंबर टू, ऑफलाइन टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड बाय इंडिविजुअल पर्सन एट ए टाइम, कि जो ऑफलाइन टेस्टिंग है इसको एक टाइम पे एक ही पर्सन करता है राइट साइड पे, ऑनलाइन टेस्टिंग परफॉर्म बाय मोर देन वन पर्सन एट ए टाइम। नंबर थ्री, इन दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग वेबसाइट शुड बी ऑन लोकल कंप्यूटर, कि ऑफलाइन टेस्टिंग में आपकी जो वेबसाइट है वो लोकल कंप्यूटर पे होनी चाहिए, मींस कि अभी आपकी जो साइट है आपके कंप्यूटर में पड़ी है, नेट पे अपलोड नहीं हुई राइट साइड पे। थर्ड, इन दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग वेबसाइट शुड बी ऑन सर्वर कंप्यूटर, कि ऑनलाइन टेस्टिंग में आपकी जो वेबसाइट है वो सर्वर कंप्यूटर पे होनी चाहिए। नंबर फोर, दिस टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड बिफोर द अपलोडिंग ऑफ वेबसाइट, कि ऑफलाइन टेस्टिंग कब होती है वेबसाइट को अपलोड करने से पहले, जबकि ऑनलाइन टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड आफ्टर द अपलोडिंग ऑफ वेबसाइट, कि ऑनलाइन जो टेस्टिंग है ये अपलोडिंग होने के बाद होती है। फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है ऑफलाइन टेस्टिंग में, इन दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग वी कैन चेंज द कोडिंग ऑफ वेब पेजेस, कि ऑफलाइन टेस्टिंग में हमारी जो साइट है हमारे लोकल कंप्यूटर पे होती है, जिसकी इसकी कोडिंग हम या प्रोग्रामिंग आसानी से चेंज कर सकते हैं राइट साइड पे। इन दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग वी कैन नॉट चेंज द कोडिंग ऑफ आवर वेब पेजेस, कि हमारी जो वेब पेजेस की कोडिंग है उसकी प्रोग्रामिंग है उसको ऑनलाइन टेस्टिंग हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो वेबसाइट है वो अपलोड हो चुकी होती है। सेकेंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ लिनक्स। तो पहले बात करते हैं फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बताने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर, हमारे बीच और हार्डवेयर के बीच जो एक इंटरफेस का काम करता है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जैसे विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10 ये कंप्यूटर में यूज होते हैं। अगर मोबाइल की बात करें तो मोबाइल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है दैट इज एंड्रॉइड। द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर एज फॉलोइंग। नंबर वन, प्रोसेसर मैनेजमेंट, इट मींस एलोकेट प्रोसेसर टू ए प्रोसेस एंड डी एलोकेट प्रोसेसर व्हेन ए प्रोसेस इज नो लॉन्गर नीडेड। प्रोसेसर मैनेजमेंट का मतलब है कि जब कोई प्रोसेस कंप्यूटर में चल रहा है, जब प्रोग्राम चल रहा है उसको सीपीयू देना है, जब उसका काम खत्म हो जाए तो उससे सीपीयू वापिस ले लेना है और किसी और प्रोग्राम को सीपीयू दे देना है जिसको सीपीयू चाहिए। नंबर टू, मेमोरी मैनेजमेंट, इट मींस एलोकेट द मेमोरी व्हेन ए प्रोसेस रिक्वेस्ट एंड फ्री द मेमोरी व्हेन ए प्रोसेस नो लॉन्गर नीड्स इट। मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब कि जब कोई प्रोसेस मेमोरी में आया है, कंप्यूटर में आया है, तो उसको मेमोरी देना, और जब वो काम अपना खत्म कर ले तो उससे मेमोरी फ्री कर देनी है, रिलीज कर देनी है, ताकि मेमोरी में कोई और दूसरा प्रोसेस आ सके। नंबर थ्री, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, इट मींस टू एलोकेट और डी एलोकेट द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस फ्रॉम द प्रोसेसेस, कि जो प्रोसेसेस है उनको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एलोकेट करना और डी एलोकेट करना, मींस कि जिस प्रोसेस को इनपुट आउटपुट डिवाइस चाहिए उसको दे दो, जब उसका काम खत्म हो जाए तो उनसे वापस लेके किसी और प्रोसेस को डिवाइस एलोकेट कर दो जिसको वो डिवाइस उस टाइम में चाहिए। नंबर फोर, फाइल मैनेजमेंट, इट मींस मैनेजमेंट ऑफ फाइल्स इन द सिस्टम, कि सिस्टम के अंदर फाइल्स की मैनेजमेंट करना, फाइल बनाना, फाइल को एडिट करना, फाइल को सेव करना या कॉपी पेस्ट करना। नंबर फाइव, सिक्योरिटी, इट मींस ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स द सिक्योरिटी टू डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफ कंप्यूटर, इसका मतलब है कि जितने भी हमारे प्रोग्राम कंप्यूटर में चल रहे हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ताकि कोई दूसरा प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर सिस्टम को खराब ना कर सके या वायरस ना आ सके, सिक्योरिटी के लिए हम पासवर्ड वगैरह यूज कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ लिनक्स, कि लिनक्स के फीचर्स क्या है। लिनक्स के बारे में बताना चाहूंगा कि लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। द बेसिक फीचर्स ऑफ लिनक्स आर एज फॉलोइंग। नंबर वन, पोर्टेबल, इट मीन्स सॉफ्टवेयर कैन वर्क ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्डवेयर, ये लिनक्स के अंदर जो सॉफ्टवेयर बनते हैं या प्रोग्राम बनते हैं उनको हम किसी दूसरी मशीन पे आसानी से चला सकते हैं। मीन्स पोर्टेबल का मतलब कि जो प्रोग्राम हमने लिनक्स में बनाया है उसको पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी में कॉपी करके हम किसी दूसरी मशीन पे आसानी से चला सकते हैं। नंबर टू, ओपन सोर्स, इट मीन्स लिनक्स सोर्स कोड इज फ्रीली अवेलेबल एंड इट इज कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट,
कि जो लिनक्स सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये फ्री में अवेलेबल है। इसे हम नेट से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। जबकि बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, जैसे विंडोज की बात करते हैं, तो विंडोज एक पेड सॉफ्टवेयर है, और जो लिनक्स है ये बिल्कुल फ्री में है। नंबर थ्री, मल्टी यूजर। इट मीन्स मल्टीपल यूजर्स कैन एक्सेस द रिसोर्सेज लाइक सीपीयू, रैम और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स ऑफ कंप्यूटर एट द सेम टाइम। कि जो अलग अलग यूजर हैं एक ही टाइम पे सीपीयू, रैम और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स की शेयरिंग कर सकते हैं। नंबर फोर, मल्टी प्रोग्रामिंग। इट मीन्स मल्टीपल एप्लीकेशन कैन रन एट द सेम टाइम। कि एक ही टाइम पे हमारे अलग अलग प्रोग्राम चल सकते हैं। मान लो कि हम कोई लेटर टाइप कर रहे हैं, साथ में गाने लगाए हुए हैं, नेट चला रहे हैं, प्रिंट की कमांड दे रहे हैं, मीन्स कि ये काम इकट्ठे हम कर सकते हैं। नंबर पांच, सिक्योरिटी। इट प्रोवाइड्स यूजर सिक्योरिटी यूजिंग पासवर्ड्स और इंक्रिप्शन ऑफ डाटा। मीन्स की लाइनेक्स हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है कि पासवर्ड लगा सकते हैं कि कोई हमारी फाइल को ओपन ना कर सके। इंक्रिप्शन का मतलब कि डाटा को कोड वर्ड की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। नंबर सिक्स, शेल। लाइनेक्स प्रोवाइड्स ए स्पेशल इंटरप्रेटर प्रोग्राम विच कैन बी यूज टू एग्जीक्यूट कमांड्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। टी शेल एक स्पेशल ट्रांसलेटर प्रोग्राम है लाइनेक्स में, जो क्या करता है, हमारी कमांड्स को एग्जीक्यूट करता है, जिसको हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज करते हैं। जैसे देख सकते हो कि फीचर्स आप डायग्राम भी पेपर में बना सकते हो। पोर्टेबल, ओपन सोर्स, मल्टी यूजर, शेल, मल्टी प्रोग्रामिंग और सिक्योरिटी। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या अपने कंप्यूटर टीचर की मदद ले सकते हैं। और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये वीडियो तैयार की गई है। ये वीडियो देखने से पहले आपने एक बार, आपका फुल सिलेबस है उसके लिंक मैंने आपको शेयर किए हुए हैं, उनको एक बार गो थ्रू कर लेना है, उसके बाद आप इसकी तैयारी करना। बाकी पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। थैंक्स।